भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:45-11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30-11 ज्यादा से ज्यादा 11:30 ज्यादा से ज्यादा 12 उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितर किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितर हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुमारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है तो वो आहूत कहलाता है। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, नवग्रह जो शरीर पर राहु केतु मंगल बुध शनि परेशान करते हैं उसकी समाप्ति के लिए, शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर, जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी नवग्रह परेशान नहीं कर सकते, शंकर की कृपा बरसती है। तो इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है। पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुका। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर है सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रखी, जो आता है तेल चढ़ाने पूजन करने के लिए दृष्टि सामने। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे, शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो, तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही है, शनि महाराज आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। कौन से दिन? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है,
अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए। दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी, मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवाल में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवाल में, किसी के घर की दीवाल में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है, पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं, सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी, जो आता है तेल चढ़ाने पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते, जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है, तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव,